भारत का दौरा टू श्रीलंका, 3 T20, 3 ODI डेट्स आ चुके हैं, बात करते हैं उस सीरीज के बारे में। हेलो एंड वेलकम टू डीप पॉइंट। जी हाँ, उम्मीद है आप सब की तबीयत ठीक है, ऑल ऑफ यूर स्टेइंग सेफ एंड हेल्दी। वेल, श्रीलंका जा रही है टीम 3 T20 ODI खेलने, जहां पे टेस्ट टीम मौजूद है इंग्लैंड में। जहां डेट्स आ गए हैं तो शुरुआत ODI से है, 13, 16 और 18 जुलाई, T20 उसके बाद 21, 23 और 25 जुलाई। खैर, मुझे पिछली बार याद नहीं आ रहा कि कब दो टीमें गई होंगी। 98 एक टीम कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने गई थी और एक टीम शायद टोरंटो में थी, लेकिन शायद ये एक नया नॉर्मल है। उसके दो कारण है, क्योंकि एक तो जो पैंडमिक के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो SOPs हैं, जहाँ पे आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, वो एक तरफ है। और दूसरी तरफ, अगर जिसके बारे में हम पहले भी डीप पॉइंट में चर्चा कर चुके हैं, अबाउट जो FTP, जो नया ICC टूर्नामेंट्स वगैरह हैं, जो बायलैटरल सीरीज टूर्नामेंट्स के लिए खेला जाएगा, जो इतना पैक्ड है शेड्यूल, तो वहाँ पे ये जो मुझे लगता है, जब तक पैंडमिक सिचुएशन है, जब तक बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाता जैसे यू नो कोविड के पहले था, आई थिंक दिस वुड बी अ न्यू नॉर्मल, जहाँ पे एक ही साथ में हम वाइट बॉल टीम अलग और टेस्ट टीम अलग देखेंगे। धीरे धीरे यू विल सी बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन इन डिफरेंट फॉर्मेट्स आता जाएगा बिकॉज ऑफ द रीजंस आई हैव मेंशन्ड। काफ़ी लोगों का कहना है कि ये बी टीम है श्रीलंका, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे इसलिए ऐसा नहीं लगता क्योंकि अगर आप देखें तो मेनली 3 players को आप ज़्यादा मिस करेंगे, वो ऑब्वियसली विराट, बुमराह और रोहित हैं, ये 3 players हैं। उसके अलावा हैं अच्छे प्लेयर्स हैं, ऐसी बात नहीं है, चाहे वो ऋषभ हो या केएल राहुल हो, लेकिन जिसको आप एक्चुअली मिस करेंगे मेरे ख्याल से वो 3 players हैं। उसके अलावा अगर दूसरे टीम देखें, जो दूसरे अवेलेबल प्लेयर्स हैं, चाहे वो शिखर हो, चाहे वो भूवी हो, हार्दिक हैं, आई मीन अमेजिंग, और शायद जडेजा को भी थोड़ा मिस करेंगे टू बी ऑनेस्ट। बट हैविंग से दैट, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टीम श्रीलंका के लिए चुना जाएगा, मुझे नहीं लगता कि वो अब बी टीम, क्योंकि और एक चीज़ मुझे जब भी कोई कहता है ना बी टीम, मुझे इसलिए और ज़्यादा दुख होता है क्योंकि आप जब देश के लिए खेलते हैं तो आप देश के लिए खेलते हैं, ए और बी का कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर प्लेइंग फॉर योर कंट्री। तो वो एक आई गेस थोड़ा सा मुझे वैसे भी थोड़ा खटकता है, लेकिन साथ में जैसे मैंने कहा जो टैलेंट अवेलेबल है, दैट इज़ रियली रियली गुड, रियली गुड। अब बात ये आती है कि सिलेक्शन कैसा होगा, सिलेक्टर्स क्या सोच रहे होंगे, कि क्या सबसे पहले तो कप्तानी की तरफ देखें, क्या सिलेक्टर सोच रहे हैं कि ऑलरेडी जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जैसे शिखर धवन हो गए या भुवनेश्वर कुमार, क्या उस तरफ रुख करेंगे या थोड़ा सा यंग ब्लड की तरफ रुख करेंगे, जैसे हार्दिक पांड्या हैं, जैसे श्रेयस अय्यर हैं, अगर वो फिट रहते हैं, अगर उनका शोल्डर ठीक हो जाता है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि सिलेक्टर्स किस तरफ जा रहे हैं, उनका रुख किस तरफ है, मेरा क्या प्लेइंग टीम होगा, मेरा क्या स्क्वाड होगा, ये इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, अभी तो बहुत वक्त है, लेकिन सिलेक्टर्स क्या सोच रहे हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। टीम मेरे ख्याल से निकलेगा 23-24 को ऑफ जून, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग, आई विल बी वेरी वेरी कीन, क्योंकि लाइक आई सेड, क्या पडिक्कल को मौका मिलेगा, क्या राहुल तेवतिया को, या जो पिछले बार भी थे लेकिन क्या उनको खेलने का मौका मिलेगा, सो इंटरेस्टिंग टाइम्स, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। आप क्या कहते हैं कि क्या ये नया नॉर्मल है, विल वी सी मोर स्पेशलाइज प्लेयर्स कमिंग आउट, क्या हम ऐसे और देखेंगे, वॉट इज योर ओपिनियन, जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में जाके, एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड गेट मोर पीपल टू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड स्प्रेड द वर्ड अराउंड, एंड आई विल सी यू सून, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, फॉलो द प्रोटोकॉल्स, और मिलते हैं बहुत जल्द, थैंक यू।